हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा गुड लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको अपने चैनल में हर बार कुछ नया दिखाती हूँ, तो आइए आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ टमाटो सूप। चलो आइए देखते हैं, आज मैं आपको टमाटो सूप होटल स्टाइल में सिखाऊंगी। इसके लिए हमने 5 टमाटर लिए हैं जो कि हाईब्रिड के लिए हैं। ये थोड़े खट्टे कम होते हैं और इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इनको छोटा छोटा काट लेंगे। आप इन्हें किसी भी साइज़ में काट सकते हैं, पर हम इनको छोटे साइज़ में काटेंगे। छोटे साइज़ में काटने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कुछ इस तरह। मिक्सी में मत पीसिएगा, क्योंकि मिक्सी में पीसने से इसके टमाटर बीज भी पीस जाएंगे, जिनका टेस्ट कड़वा होता है। उससे टमाटर सूप का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारे टमाटर कटकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे कढ़ाई में पकाएंगे, कुकर में नहीं, क्योंकि कुकर में पकाने से ये ज़्यादा पक जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बटर लिया है। हम इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। ये गर्म हो रहा है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। आप चाहे तो मत डालना, ये ऑप्शनल है। इसे थोड़ा भूनने देंगे। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा, अब हम इसमें अदरक डालेंगे। अदरक डालना जरूरी है और इसे हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। जैसे ही बटर में बबल्स आ गए हैं, तब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। होटल वाले टमाटो सूप में भुना हुआ फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और वो यही स्टेप करने के बाद आता है। डियर फ्रेंड्स, बॉयल करने से इसका फ्लेवर थोड़ा अलग हो जाता है, पर मुझे यही स्टाइल इसका पसंद है। अब हम इन्हीं टमाटरों को अच्छी तरह मिलाकर पकाएंगे, जब तक कि अच्छी तरह से पूरे गल ना जाए। मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल दिया है। नमक का बड़ा स्पून डालने से इसमें फ्लेवर अच्छा आएगा और ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये टमाटर हल्के से गल गए हैं और इन्होंने थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया है। देखिए, यह बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इसमें हम 2 से 2.5 चम्मच चीनी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। चीनी डालने से देखिए इसमें कितनी चमक आ गई है। डियर फ्रेंड्स, चीनी डालना इसमें बहुत ही जरूरी है। चीनी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। टमाटर के खट्टे फ्लेवर के साथ साथ मीठा फ्लेवर भी बहुत बढ़िया लगता है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच केचप के डाल देंगे। इससे इसका मीठापन बैलेंस हो जाएगा और टमाटर का फ्लेवर भी बैलेंस हो जाएगा। बनाने के लिए
पानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसमें 2.5 कप पानी अराउंड 500 ml के आसपास हम इसमें पानी मिला देंगे। देखिए इसका फ्लेवर कितना अच्छा आ रहा है। आप चाहे तो इसमें रेड कलर भी मिला सकते हैं, पर मैं इसे सिंपल तरीके से बना रही हूँ ताकि इसका कलर नेचुरल आए। अब हम इसे एक उबाला आने तक पकाएंगे और फिर इसकी आंच फ्लेम धीमा कर देंगे। अब हम इसमें छोटा स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा सूप ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम इसे छान देंगे। इस तरह से हम इसको छान देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब टमाटर के छिलके और बीज ऊपर रह गए हैं, बाकी सूप नीचे है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सूप अब छन चुका है। अब हम इसको दोबारा से पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सूप हमारा अभी उबल रहा है और हमने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर यानी अरारोट लेकर के उसकी स्लरी बना दी है। अब हम सूप को गाढ़ा करने के लिए ये स्लरी उबलते हुए सूप में डाल देंगे और इसे हिलाते रहेंगे ताकि हमारा सूप थोड़ा गाढ़ा हो जाए और ये नेचुरल दिखाई दे। देखिए हमारा सूप गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा सूप बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करने के लिए बाउल में डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसकी क्रीम से गार्निश करेंगे। और हम आप इसमें ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं। ये फ्रेंड्स, अब हमारा सूप बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। और एक ही बात मैं दोबारा से बोलूँगी कि इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।